के सन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के लेक्चर में हम लोग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है आर्थिक नीतियों पर जो है चर्चा करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो है नियोजन पर चर्चा करेंगे। तो आर्थिक नीतियों को हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी देश के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आर्थिक नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता का बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सके और उस क्षेत्र में विकास के उच्च स्तर या उच्च लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इसलिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं। यानी कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व नियोजित ढंग से जो है उच्च स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियां बनाई जाती हैं। तो आर्थिक नीतियां दो प्रकार की जो है होती हैं, एक जो है क्रियात्मक आर्थिक नीति और दूसरा जो है वो नियंत्रक आर्थिक नीति। ये दो प्रकार की जो है नीतियां होती हैं। क्रियात्मक नीतियों के जो है अंतर्गत इस तरीके की जो है नीतियों का निर्माण किया जाता है जो अर्थव्यवस्था में जो है कृषि उद्योग व्यापार इत्यादि के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिनका क्रियान्वयन किया जाता है और उसके माध्यम से उस क्षेत्र में उच्च स्तरीय लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। नियंत्रक नीतियों के अंतर्गत जो है इस तरीके की नीतियां बनाई जाती हैं जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन को बनाए रखना जो है संभव हो सके। तो क्रियात्मक नीतियों का अगर जो है वर्गीकरण किया जाए तो इसमें जो है नियोजन भी एक प्रकार की नीति होती है, कृषि औद्योगिक नीति व्यापार नीति और जनसंख्या नीति। तो इस तरीके से जो है पांच प्रकार की नीतियां होती हैं। वहीं पर नियंत्रक जो नीतियां हैं वो राजकोषीय नीति और जो है मौद्रिक नीति होती है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, तो दो प्रकार की जो नीतियां होती हैं, नियंत्रक नीतियों के अंतर्गत राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा बनाई जाती है, मौद्रिक नीति जो है वो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ये जो है करों से संबंधित व्यवस्था होती है, इसमें जो है प्राप्तियां खर्च कैसे क्या किए जाएंगे, और मौद्रिक नीति जो होती है अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फ्लो को नियंत्रित करने से संबंधित होती है, जो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो है युक्तियां हैं जिसके माध्यम से जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा को कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से आर्थिक नीतियां कुल मिलाकर के इन्हीं के जो है माध्यम से क्रियान्वित होती है। अब इसमें हम लोग नियोजन को जो है आज के इस लेक्चर में जो है समझने का जो प्रयास करेंगे। नियोजन का मतलब प्लानिंग, नियोजन का मतलब हो गया प्लानिंग। अर्थात अर्थव्यवस्था के जो है अलग अलग क्षेत्रों में उच्च स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग की रणनीति को निर्धारित करना और उस निर्धारित किए गए रणनीति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना ताकि कम समय में कम खर्च में जो है उच्च स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना संभव हो सके, इसे ही जो है प्लानिंग कहते हैं। यानी कि प्लानिंग एक ऐसी रणनीति होती है जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग पूर्व में जो है योजना और रणनीति के तहत संसाधनों का प्रयोग करते हैं जिससे उच्च स्तरीय लक्ष्यों प्राप्त किए जा सके। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, नियोजन कहलाती है, इसे नियोजन कहते हैं। भारत में अगर नियोजन को देखा जाए तो हम लोगों ने नियोजन की अवधारणा को रूस से लिया था और रूस में जो स्टालिन को नियोजन का जो है जनक माना जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो विश्वेश्वरैया को जो है विश्वेश्वरैया को जो है भारत में जो है नियोजन का जनक कहा जाता है। भारत में नियोजन का जनक किन्हें कहा जाता है, यम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। और भारत ने जो है नियोजन की अवधारणा कहां से लिया है, रूस से, और वहां पे स्टालिन इसके जनक माने जाते हैं। अब भारत में नियोजन की अवधारणा सबसे पहली बार 1934 ईस्वी में भारत में नियोजन की अवधारणा
पहली बार 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये इनकी पुस्तक का नाम है। ये भी कई बार जो परीक्षा में पूछा गया चुका है। 1934 ईस्वी में इन्होंने जो है भारत में योजना प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से भारत में एक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही गई। इन्हीं सब बातों के कारण से ही नियोजन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, लागू किया, योजना प्रस्तुत की, किताबें लिखी, इसी कारण से इनको भारत में नियोजन का जनक भी कहा जाता है। तो 1934 ईस्वी में जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा, इसलिए जानकारी होना आवश्यक है। कुछ नियोजन के इतिहास हैं जो कि हम 1951 ईस्वी के भारत में लागू किए गए पंचवर्षीय योजना के पूर्व में पढ़ते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप में देख लेते हैं, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। 1943 ईस्वी में जो है श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई, ये भी कहीं ना कहीं एक लक्ष्य को प्राप्त करने की बात करता है। 1944 ईस्वी में जो है आर देशर दलाल के नेतृत्व में 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया। अगला है 1945 ईस्वी में एम एन राय के द्वारा जन योजना प्रस्तुत किया गया, एम एन राय के द्वारा जन योजना प्रस्तुत किया गया। और 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया, सर्वोदय योजना, जन योजना जो है प्रस्तुत किया गया, गांधीवादी योजना यहां पे 43 में प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई, और यहां पे जो है 1934 ईस्वी में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में विश्वेश्वरैया के द्वारा पहली बार योजना प्रस्तुत किया गया। तो ये 1951 ईस्वी में, यानी कि 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ किए गए प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व में विभिन्न स्तर पर बनाई गई योजनाएं थी, जिनका समय समय पर क्रियान्वयन किया गया। तो ये थी जो है नियोजन के पूर्व की जो है कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां, जिसके माध्यम से नियोजन को लागू करने, क्रियान्वित करने का एक प्रयास किया गया। तो अभी हम लोगों ने जो है नियोजन की अवधारणा को समझा, नियोजन को जो है लागू करने से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रगति थी जिसको समझा। भारत में नियोजन को सही मामले में 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के रूप में लागू किया गया। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वो 1 अप्रैल, पहली पंचवर्षीय योजना को हम विशेष रूप से इस डेट का उल्लेख करेंगे, क्योंकि ये सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहां से लेकर के 31 मार्च और 1956 ईस्वी तक, चलिए पहली पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि पर जो विशेष रूप से बल दिया गया, कुछ की पॉइंट है जिसको समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश था, लोगों की खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करना इसकी पहली प्राथमिकता थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पहली बार जो है पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई। सिंचाई के उद्देश्य से भाखड़ा नंगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना जो है बनाया गया। इस तरीके से जो है कृषि के उच्च स्तरीय लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है प्रयास करने की इसमें बात कही गई। तो ये थी जो है पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है 1956 से लेकर के जो है 1961 के बीच में चलाई गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की स्थापना की गई। इसके साथ में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि रेलवे से संबंधित है की भी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, आत्मनिर्भरता एवं विकास पर बल दिया गया। ये जो है उद्देश्य होते थे जिनको प्राप्त करने के लिए जो है मूल रूप से प्रयास किया जाता था। बाकी इसमें बहुत ढेर सारे उद्देश्य होते थे, लेकिन मूल रूप से जो है योजनाओं में जो है किस पे बल दिया गया था, इसे भी हम लोग समझते चलेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। तो
तो इसमें जो है मूल रूप से आत्मनिर्भरता एवं विकास पर बल दिया गया और यह योजना जो है वो 1961 से लेकर के 1966 के बीच में चली, 1961 से लेकर 1966 के बीच में जो चली, जहां पर पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीस जो है महालनोबिस पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी तथा पीसी महालनोबिस के जो है मॉडल पर तीसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो ये मॉडल भी कई बार परीक्षा में पूछते हैं, पहले मॉडल को ज्यादा पूछा जाता है कि ये हैराल्ड डोमर, हैराल्ड डोमर मॉडल इन्होंने जो है इस योजना को बनाने में जो है इनके जो द्वारा मॉडल थे उससे प्रभावित था, उनकी जो विचारधारा थी जो इकोनॉमी थी उस पर जो है आधारित थी, इसीलिए इनको हैराल्ड डोमर मॉडल के नाम से पीसी महालनोबिस और तीसरे में जो है तीन लोग थे। तो 1961 से लेकर 1966 के बीच में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं, 1962 भारत चाइना का युद्ध, 1965 में भारत चाइना का युद्ध और 1966 ईस्वी में अकाल, तीन महत्वपूर्ण जो घटनाएं इसमें जो घटी 1962, 1965, 1966। तो इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना काफी प्रभावित रही और असफल पंचवर्षीय योजना के रूप में जानी जाती है। तो इसमें जो है 1965 में आकर के भारत में FCI की भी स्थापना की गई और 1966 ईस्वी में हरित क्रांति लाया गया और 1966 ईस्वी में रुपए का अवमूल्यन भी किया गया जो है, यानी कि दूसरे देशों की तुलना में अपने देश के मूल्य को घटा दिया जाना। तो इसके भी अपने अलग अलग प्रभाव होते हैं जो कि हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझना है कि रुपए का अवमूल्यन क्या होता है और इसमें जो है 1966 ईस्वी में रुपए के अवमूल्यन का सहारा लिया गया। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के पूर्व में यहाँ जो है 1966 से लेकर के जो है 67 से लेकर के जो है 68 और 68 से लेकर के जो है 69 के बीच में ये तीन वर्ष जो है योजना अवकाश का वर्ष था, तीन वर्ष जो है योजना अवकाश का वर्ष था। इसमें योजनाएं नहीं बनाई गई, उसके पीछे की भी रीजन वही था कि अकाल था, युद्ध था, ये सारी जो है परिस्थितियां थी जिसने योजना को जो है इस रूप में जो है फॉर्मेशन और उसके जो है इम्प्लीमेंटेशन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। चौथी पंचवर्षीय योजना आपकी 1969 से लेकर के जो है 1974 के बीच, 1969 से लेकर के 1974 के बीच जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना चालू 1969 है, क्योंकि तीन वर्ष तो हम योजना अवकाश में चले गए। तो 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, 14 राष्ट्रीय बैंक बनाए गए और 1974 में हम लोगों ने एक प्रश्न भी कई बार परीक्षा में यहाँ पे बताने का इसका टारगेट बेसिकली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए है कि हम कुछ फैक्ट को भी लेकर के चलें ताकि इकोनॉमी के से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जो महत्वपूर्ण प्रगति थी और धारणाएं थी, बैंक थे, संगठन थे, उससे भी आप लोग परिचित होते हुए चले। बाकी अलग अलग संगठनों के बारे में एक चैप्टर उस पर आधारित है जिससे आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन पढ़ाई का एक अप्रोच ये भी होता है कि एक बार में आप सब कुछ फैक्ट रख दिए जाए तो वो नहीं तैयार हो सकते, इसलिए घटनाओं के साथ साथ कुछ फैक्ट को भी तैयार कर लेना आवश्यक और जरूरी है। तो चौथी पंचवर्षीय 1969 से लेकर के 74 में, 69 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंक और 1974 ईस्वी में भारत ने जो पोखरण में पहला अपना परमाणु परीक्षण किया जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। दिस मीन कि हमने जो है एक सही उद्देश्य के लिए परमाणु का परीक्षण किया है, किसी देश को जो है धमकाने या डराने के पर्पज से नहीं, और परमाणु नीति भी है भारत की अपने से कमजोर के विरुद्ध नहीं करेगा, पहली बार नहीं करेगा, तभी करेगा जब बाहर से या बाहर कोई ऐसा जो है शत्रु देश भारत पर जो है आक्रमण करता तभी करेगा। तो कुल मिलाकर के भारत में परमाणु परीक्षण का उद्देश्य शांति की ही स्थापना है और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने 1974 ईस्वी में पहली बार परमाणु परीक्षण किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से लेकर के 1978, यद्यपि बनाया तो 1979 में गया था लेकिन एक वर्ष पूर्व 1977 में आप लोगों को जानकारी है कि जनता पार्टी की सरकार आई और उसने नियोजन में जो है कुछ परिवर्तन कर दिए, इसलिए यह जो है कार्यक्रम या पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व में ही जो है समाप्त कर देनी पड़ी। तो 1974 ईस्वी में यह लाया गया। 1974 में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 ईस्वी का है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। विश्व सूत्रीय कार्यक्रम 1975 ईस्वी में जो है लाया गया
और 1977 ईस्वी में काम के बदले अनाज योजना, 1975 ईस्वी में ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो चार महत्वपूर्ण फैक्ट है जो इस पंचवर्षीय योजना में जो है देखी जा रही है। क्या क्या है? 1974 ईस्वी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1975 ईस्वी में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और 1975 ईस्वी में ही ग्रामीण बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई और 1977 ईस्वी में काम के बदले अनाज योजना भी इसी में लाया गया। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने पर, इस वक्त जो मूल बात थी, जो इसका उद्देश्य था, जो इसका जो है एक टैगलाइन था, वो ये था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को इसमें प्राप्त करने की भी बात कही गई। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा भी जो है इसी में जो है दिया गया, किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1974 से लेकर 78। अब यहाँ पे जो है छठी पंचवर्षीय योजना आने से पूर्व जो है 1978 से लेकर के 79 और 79 से लेकर के 80 में जो है यह अनवरत योजना लागू की गई। योजना अवकाश यहाँ पे था, यहाँ पे अनवरत योजना। यह अनवरत योजना क्या है? इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना तो बनाई जाती थी, लेकिन हर वर्ष एक वर्ष की समाप्ति पर उस योजना का मूल्यांकन किया जाता, समीक्षा की जाती थी, पुनः उसके उद्देश्यों को निश्चित किया जाता था। हमें कितने परसेंट इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ करना है और कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में कितने कितने परसेंट, इसका मूल्यांकन किया जाता था कि परिस्थितियां बदली, हमारे पास संसाधन क्या है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक वर्ष के बाद इसके उद्देश्य बदले जाते, तो ये अनवरत योजना कहलाती है। यानी कि अनवरत योजना एक ऐसी योजना थी जो दीर्घकाल में के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्रतिवर्ष इसके उद्देश्यों की समीक्षा करके उसमें परिवर्तन किया जाता था। एक और फैक्ट जो है कि परीक्षा में पूछा जाता है कि अनवरत योजना वो गुन्नार मिर्डल के जो है एशियन ड्रामा पर आधारित है, गुन्नार मिर्डल के एशियन ड्रामा। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको हम यहाँ पे अंकित कर देते हैं, गुन्नार मिर्डल के जो है एशियन ड्रामा, गुन्नार मिर्डल के जो है एशियन ड्रामा नामक जो है पुस्तक पर जो है ये आधारित थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो आकर के 1980 ईस्वी में प्रारंभ होती है। छठी पंचवर्षीय योजना कब आई? 1980 में, 80 से लेकर के 85 ईस्वी के बीच में जो है बनती है। अब वहां पर जैसे गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात कही गई थी, यहां पर गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर बल दिया गया। इस योजना का लक्ष्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार पर, दोनों एक साथ हैं इसलिए याद करने में आवश्यक है। तो कहने का मतलब गरीबी हटाओ का नारा तो पचवे में दिया गया, लेकिन उस गरीबी को दूर करने के लिए जो प्रयास थे वास्तविक रूप में देखा जाए क्रियान्वयन, वो छठवीं में आकर के किया गया, क्योंकि इसमें गरीबी निर्देशांक की भी घोषणा की गई और 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में और 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में जो उपभोग करने वाले जो व्यक्ति का एक मानक निर्धारित किया गया कि यदि इससे कम जो है क्रमशः शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उपभोग करता है तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से रोजगार के लिए एक मानक निर्धारित कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में 273 दिन और प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे का अगर रोजगार पाता है तो वो बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, वो रोजगार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कहा जाएगा। इसी तरीके से 1982 ईस्वी में यहाँ पे एग्जिम बैंक की स्थापना की गई, 1982 ईस्वी में एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया। और 1982 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण संस्था कृषि के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो लोन दिए जाते थे उनके वित्तीयन के लिए जो है नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में। कई बार क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए इसको जो समझ लेना आवश्यक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, 12 जुलाई 1982 को एग्जिम की भी जो है स्थापना की गई। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो है फैक्ट छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बनते हैं।
सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना इसी से हम आगे इसको लेकर के चलते हैं 1980 से 1985 से जो है 1990 ईस्वी के बीच में, 1985 से 1990 ईस्वी के बीच में सातवीं पंचवर्षीय योजना चली गई। इसमें जो है जैसे यहाँ पे गरीबी उन्मूलन और रोजगार पर बल दिया गया। यह सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय, आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर इसमें बल दिया गया। और 1986 ईस्वी में जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारत में स्पीड पोस्ट व्यवस्था स्टार्ट की गई। 1986 ईस्वी में ही जो है कापार्ट योजना लागू की गई। और 1988 ईस्वी में आपकी महत्वपूर्ण संस्था जो है सेबी, सेबी बाजार अलग तरीके के होते हैं, यह जो है सेबी एक ऐसी व्यवस्था जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। 1992 ईस्वी में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया और शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग इत्यादि आगे आप पढ़ेंगे जो है चल के। इनसाइडर ट्रेडिंग एक गलत उद्देश्यों से, गलत तरीके से कोई जो बिजनेस व्यापार पर रोक लगाने के लिए एक जो है संस्था है, एक नियामक संस्था है जो है, रेगुलेटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की गई और 1992 ईस्वी में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट है सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इसी में जो है 1989 ईस्वी में जो है नेहरू रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना, दो योजनाएं भी चलाई गई 1989 ईस्वी में। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 85 से 90 के बीच में चला, इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण सामाजिक न्याय पर बल दिया गया, आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर जो बल दिया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना पर हम लोग आते हैं, आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 90 से स्टार्ट नहीं होकर के 1992 से लेकर के 1997 के बीच चलती है, 1997 के बीच में चलती है। और नौवीं पंचवर्षीय योजना ये जो है 97 से लेकर के 2002 के बीच में चलती है। और दसवीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2002 से लेकर के 2007 के बीच में चलती है। और इसी तरीके से ग्यारहवीं और बारहवीं जो है वो क्रमशः जो है 7 से जो है 12, और ये दूसरी वाली जो है वो 12 से लेकर के जो है वो 17 के बीच में चलती है। यह जो है इसका जो है क्रम ऐतिहासिक रूप में जो है अभी तक रहा है। और आपको जानकारी होगा कि 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आ गया। और अब इसके माध्यम से जो है देश में थिंक टैंक के रूप में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, खैर इसको हम लोग जो है आगे के लेक्चर में लेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो है पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि आठवीं पंचवर्षीय 92 से 97, लेकिन यहाँ पे जो है 90 से 91 और 91 से लेकर के जो है 1992 के बीच में पुनः जो है आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता के चलते हुए जो है पुनः योजनाएं क्रियान्वित और लागू नहीं हो पाई। और अगली पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर के 1997 ईस्वी के बीच में लागू होती है। यहाँ पर 91 और 92 में दो महत्वपूर्ण चीजें रही हैं, उसको देख लेना आवश्यक है। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की अवधारणा जो है यहाँ पे लागू की गई 1991 ईस्वी में। इसे नई आर्थिक नीति कहा गया। उद्योगों में दो महत्वपूर्ण चीजें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की संख्या को सीमित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर जो है प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए, जिससे कि उनकी उद्यम क्षमता का जो प्रयोग किया जाए और विकास के उच्च स्तर को प्राप्त किया जाए। इसी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नियंत्रित करने के साथ साथ जो है उदारीकरण की भी जो है नीति अपनाई गई कि लाइसेंस वगैरह लेने के लिए सरकार को जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों को सरकार से कम जो है औपचारिकताओं का सामना करना पड़े, यानी कि लाइसेंस को भी ढील दिया गया और बहुत ही कम उद्योग ऐसे हैं जिनको लाइसेंस मिलाया गया, प्राइवेट को दर्जा दिया गया, वैश्वीकरण को जो है अपनाया गया। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या कहलाई, नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में लागू की गई थी। तो
ये बातें थी जो है इस उथल पुथल के दौरान की 1991 ईस्वी में जो थी। और 1990 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण संस्था थी सिडबी की स्थापना की गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसे क्या कहा गया, सिडबी कहा गया, जिसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब की गई, 1990 में। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए यहाँ पर इसका मेंशन करना जो आवश्यक है। हम एक क्रमिक रूप से जो है नियोजन के विकास को देखते हुए जो है आर्थिक गतिविधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 1990 ईस्वी में सिडबी की स्थापना लखनऊ में की गई, तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जो है आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर बल दिया। सातवीं में हमने क्या देखा, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो है मानव संसाधन के विकास पर बल दिया है। ये 1992 से लेकर के जो 1997 के बीच में जो है चली, 1995 ईस्वी में इसी में जो है विश्व व्यापार संगठन की WTO की स्थापना की, भारत इसका संस्थापक जो है सदस्य भी है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो है घटना रही आठवीं पंचवर्षीय योजना की। नौवीं पंचवर्षीय योजना में जो है, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में जो है चलिए, इसमें भी सामाजिक न्याय समानता के साथ जो विकास पर बल दिया गया, सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास पर बल दिया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और दसवीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 के बीच में चलाई गई, इस योजना में भी जो है पूर्व के जो है वर्षों के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया। ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में जो है पुनः उद्देश्य में परिवर्तन हुआ, फास्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि तीव्र समावेशी एवं सतत, तीव्र सतत एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया। ये ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के समान रूप से लक्ष्य हैं। तो ये हम लोगों ने एक ऐतिहासिक रूप से जो है भारत में नियोजन के जो है कहानी को देखने का जो प्रयास किया, और इसके बीच बीच में भारत ने क्या की पॉइंट अपनाया, किसके माध्यम से किस दिशा में गए, और कहाँ कहाँ नेगेटिव पॉइंट थी, इसको भी देखने का जो हम लोगों ने प्रयास किया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो आर्थिक नीति के प्रकार, आर्थिक नीति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, यानी कि क्रियात्मक नीतियाँ और नियंत्रक नीतियाँ। क्रियात्मक नीतियों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रियात्मक नीतियों में नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति, व्यापार और जनसंख्या नीति को सम्मिलित किया जाता है। वहीं पर नियंत्रक नीति सरकार और RBI के द्वारा बनाई जाती है, क्रमशः ये जो है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के रूप में जानी जाती है। और पुनः जो है क्रियात्मक नीति के अंतर्गत पहले टॉपिक जो कि नियोजन नीति से संबंधित है उसको देखा। नियोजन नीतियों के अंतर्गत हम लोगों ने नियोजन की अवधारणा और 1991 में पंचवर्षीय योजना लागू होने से पूर्व में भारत में किस तरीके से पहल किए गए, प्रयास किए गए हैं विभिन्न विचारकों के द्वारा, उसको देखा। और पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में नियोजन की कहानी को देखा कि किस तरीके से भारत ने अलग अलग दिशाओं से होते हुए जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि नियोजन से संबंधित ये उदाहरण समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग नियोजन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और महत्वपूर्ण आयामों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा के स्तर पर वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक और लेक्चर को जो कंप्लीट बनाता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में पुनः एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।